फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कान्हा जी की डिज़ाइनर पोशाक लेकर आई हूँ। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। और अगर आपको ये पोशाक पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम पोशाक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग ली है। पेस्टिंग इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कपड़े पर चिपक जाती है। इसके अलावा आप टेट्रोन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए पहले हमें एक सर्कल शेप में अपनी पेस्टिंग को काटना होगा। उसे काटने के लिए आप अपनी पोशाक को ले लीजिए, जो आपकी पोशाक है उसको ये डायमीटर इस तरह से नाप लीजिए आप। या फिर दूसरा तरीका यह है कि इसको ऐसे रखिए और यहाँ पर इस तरह से इस पर निशान लगा लीजिए पेंसिल से, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि किसी प्लेट से नाप लीजिए पोशाक को अपनी, इस तरह से। इस तरह से हम इसे प्लेट से नाप लेंगे। जिस भी साइज़ की आपकी पोशाक होती है उसी हिसाब से कोई भी चीज़ से आपको नापने में आसानी हो जाएगी। और फिर आप इसको अपनी पेस्टिंग पर इस तरह से रख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रख के इसमें मैंने ये इस तरह से ये निशान बना लिया है। एक सर्कल बन गया है ये हमारा। अब मैं इस सर्कल को कट कर लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसके ऊपर अपनी पेस्टिंग का जो मैंने पीस काटा था उसको चिपकाऊंगी इस तरह से रख के। इसके ऊपर जब हम प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। ये इसके ऊपर इस तरह से चिपक गया। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए, ये मैंने सर्कल शेप का एक पीस काट लिया है। अब मैं इसमें आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये दो दो इंच की पट्टियाँ काटी हैं। इसमें से मैं इस तरह से स्क्वायर पीस कट करूँगी इन पूरी पट्टियों के। इस तरह से स्क्वायर पीस पूरे पूरे कट कर लूँगी। ऐसे मैं पूरे पूरे पीस कट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बहुत सारे पीसेस काट लिए हैं दोनों पट्टियों के। अब मैं इसमें आपको डिज़ाइन बताती हूँ। हम एक सुई की सहायता से इसमें डिज़ाइन डालेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन डालेंगे। सारे पीसेस का हमें इसी तरह से डिज़ाइन बना लेना है। इस तरह से ऐसे किया और फिर इसको ऐसे ऐसे फिर इस तरह से। पूरी एक फ्रिल तैयार कर लेंगे इसी तरह से बनाते हुए। देखिए, एक और बताती हूँ। ऐसे इसको फोल्ड कर लिया तिरछा, फिर इसको ऐसे 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 इस तरह से ये पूरी फ्रिल तैयार कर लेती हैं हमको। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रिल्स इस तरह से तैयार कर ली है पूरी। अब मैं आपको इस पर लगा कर दिखाती हूँ। देखिए, इसको ऐसे रखेंगे, इसे अच्छे से खोल लीजिए इस तरह से। इस
तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसके चारों साइड ये लगा लिए हैं और आप देखते होंगे कि बहुत सुंदर लग रहा है। अब ये आप पीछे देख रहे होंगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, सारा वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। ये सब छिपाने के लिए हम इसके नीचे इसे और सुंदर लुक देने के लिए इसके नीचे कपड़ा लगा देंगे, जिससे कि ये वाइट वाइट बहुत गंदा लगता है ना ये देखने में, ये गंदा ना लगे। अब इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे अच्छे से सेट करके रख लीजिए। और ये इस तरह से कपड़ा इसके नीचे लगा था। ये मैंने इसके नीचे लगा दिया है, अब इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पीस को हम कट कर देंगे। ये आप सर्कल पहले भी काट के रख सकते हैं कपड़े का, जो मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। अब हमारा बेस तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपनी कमर का निशान भी लगाएंगे, जितनी हमारी खाना जी कमर है। पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, एक पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगाएंगे ऐसे, और ऐसे ही निशान इधर लगा देंगे और यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे इसको। शेप देने के बाद इसको कट कर लेंगे। इस तरह से ये कट कर लिया। अब ये हमारी यहाँ पर राउंड शेप तैयार है। अब इस पर, अब इसमें हम आगे से थोड़ा सा इसको खोल देंगे, जिसे हमें पहनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इस पर हमें ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। लगा लिया हमने इसमें। अब हमारा नीचे का बेस तैयार है। अब आगे डिज़ाइन बनाने के लिए इसमें मैंने फोर कलर्स की नेट ली है, पिंक, वाइट, ब्लू और येलो। आप कोई भी कलर कर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इन पीसेस की लंबाई मैंने 15 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है। चारों कलर्स को जोड़ लूँगी। देखिए, येलो के साथ में ब्लू कलर जोड़ा है मैंने। यहाँ पर फिर इसके साथ में मैं लगाऊंगी पिंक। फ्रेंड्स, आप नेट की जगह पर कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नेट लिया है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, जोड़ने के बाद हमारे पास ये लंबी पट्टी तैयार हो गई है। इस तरह से लंबी पट्टी तैयार करने के बाद हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डबल फोल्ड करके ये पट्टी तैयार कर ली है इस तरह से। अब
मैं इसमें बहुत बारीक बारीक फ्रील्स बनाऊंगी, इस तरह से बहुत बारीक बारीक फ्रील्स बनाने हैं आपको ऐसे, पूरी पट्टी इसी तरह से फ्रील्स बनाने की बात कर रही हूँ, बहुत बारीक बारीक, जितना भी बारीक हो सके। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और है कि अगर आप ये कपड़े से बना रहे हैं तो डबल करने की ज़रूरत नहीं है कपड़े को, बस उसका एक साइड फोल्ड कीजिए, बारीक किनारी बनाइए और फिर इसमें डायरेक्ट इस तरह से बहुत बारीक बारीक फ्रील्स डाल दीजिए। तरह से मैंने इसमें ये फ्रील डालकर इसको तैयार कर लिया है। अब हम अपने इस पीस पर इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से, यहाँ इसको ऐसे ऐसे जॉइंट करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने ये इस तरह से पीस तैयार कर लिया है। अब ये सिलाई छिपाने के लिए मैं इसके ऊपर ये लेस लगाऊंगी, देखिए फ्रेंड्स ये पीस मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये पूरा हमारा बेस, घेर का बेस तैयार हो गया है। मैंने ये गुटा जिस तरह से आपको मेरी फर्स्ट और थर्ड वीडियो में लगाना बताया था उसी तरह से मैंने ये लगा लिया है। अगर आपसे नहीं आता होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये लॉक करना आपको बताती हूँ। इसे लॉक करने के लिए मैंने ये पट्टी ले लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई 8 इंच है। अब हम इस पोशाक को उल्टा करके रखेंगे ऐसे और इस पट्टी को आधा इंच, लगभग आधा इंच बाहर निकालते हुए इस तरह से सिल लें इसके ऊपर, पोशाक उल्टी रख के तब ये करना है। इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा पीसेस को कट करूंगी थोड़ा। इस तरह से इसको ऐसे इसका नेफा तैयार करूंगी। ये हमारी पोशाक इस तरह से तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पोशाक की ये बॉडी तैयार की है। इस बॉडी को बनाना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देखिए जब ये बॉडी के साथ में हमारे कान्हा जी इस तरह से इसको पहनेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। अभी हम इसको डेकोरेशन करके भी आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पोशाक डेकोरेट कर दी है।
इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पिंक है, येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, और इधर मिरर चेन लगाई है, ये मिरर चेन लगाई है, इधर छोटे छोटे स्टोन्स लगाए हैं, इधर फिर से छोटे छोटे मिरर लगाए हैं। ये पोशाक देखने में बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्रीटी लग रही है, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही होगी। फ्रेंड्स, आप भी इस पोशाक को बना सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि आप ज़रूर बनाएं और मुझे मेरी इंस्टा की आईडी पर इसको शेयर करें।